चतुर भगवान की। बोल बजरंग बली महाराज की। जर क्यों रे भाई, जयपुर पहुंचा चौधरी, जयपुर पहुंचा चौधरी, मुल्ला वे जरिया का थान, घर घर में ओडा उसिया भाई, लिचमा को बद जा सी मान, बट ऊंट ने लियोड़ा जयपुर सिटी में किया है। सिटी वाला लोग देखियो रे, श्यापा बंजोड़ा ध्वजा भेजोड़ा अटखटा आया है, ऊंटा ना लियोडार एक्सीडेंट करी, ऊंटा का कोई इंडिकेटर तो लगी उड़ को निकल जाए, वो कहीं जा सके वो तो सेठा की दुकान जाए क्यों, सेठा मांगे कपड़ो लेनो है, सेठ देखियो रे जयपा बांगी उड़ार तो क्या बेरी उड़ार, कोई रुपया दो रुपया को लेवला और कहीं जमाने का। सेठ जी पूछे कतोक लेनो है, धर्मो जी बड्डा सर के में 25,000 को, 25,000 को नाव लियो और शेर जी कुर्सी पर लारद पाट गुड़गा। क्योंकि भी जमाना में 25,000 भी 25 करोड़ जीता होता, 5 शेठ ने बेटा कर थोड़ो पानी आनी बाहर मोरा माद फेरियो, तो भी एक दुकान में तो 25,000 को कपड़ो हो को नहीं, 2, 4, 5, 10 आधो मार्केट खाली करियो, जर जाता कोई वो 25,000 को कपड़ो हुई हो। लिचमा गुजरी आ मन में सोचो रे, बे जाहिल खियाले का चौधरी है, अरे बे कांटा पे कन्नो कांटा पे मायरो भरे या नहीं भरे, आपक ने छाने का छाने का 10-15 रुपया रख छोड़ा है, क्योंकि लुगाया माता बहना की आदत हुई आगरे, क्यों 5-25 रुपया ओड़ा है अगर रल्टी जा तो नोट बंद हुई नहीं। एक दिन माली ने मैं क्यों ये कोई 5-25 रुपए तो जेवे नहीं मांग तोड़ आयोड़ा आया सुको एन सुखावा क्यों थकी सुगन जहर खाबने रुपया को नहीं, अरे भाई नोट बंद हुई सन अद्धा रुपया निकलिया पूरो गांव जहर खा जावे नहीं। जन लिचमा मन में विचार करियो रे, आपा कने बे छाने का रुपया रह क्योटा है, जका आपा मैंने छाने का छाने ले जार दे दिया, जको बे आपने आपा ना रुपयो बे ओण गांस लिया आपने लिया। आगे लिचमा गीज को बट कोई कोनी बे तो बने जयपुर किया बरा की कोनी बट खाली ऊंट वाला मेंगना पड़िया गल। हां तो लिचमा गुजरी पाची आई अन्ना तो मायर वाली टेम योड़ी, ए लिचमा गुजरी कदे तो डागला सडेर कदे नीची उतरे, तो जी टेम में अब देखो सासू केवानी के सासू जितरे सासरो मायड जितरे पीर दाता जद बोगा रामशिया के बीच में कुछ को निचाले मारा वीर, तो आ सासू है जो कहीं मोसो देवे और कहीं बात बने देखो। अरे लिचमा ऊंची चढ़े चढ़े जाके, अरे कोई पीरो आवे माँ के लिचमा की आ छाजे चढ़वा दूँगी।
भगवान की तो आशा सुखी है के लिचमा ऊंची चढ़ चढ़ जांके कोई वीरो आवे मांगे सासु के वे आ तो मायरा की भूखी आ छाजे चढ़वा डूकी अरे मारो छाजो टूट पड़े लो मारा ब्याह में विघ्न पड़े लो। ए लिचमा तू गदगी ऊंची नीची चढ़े थारो वग देशल रजे थारी घड़ियां दूट गई नहीं जर मैं मांगे ब्याह को काम करांग तन लिया लिया पीरा मैं वे कोई कोना बड़ा तू और ना गांज लिया ने उड़ी के बे थारे हजगा और ना पढ़ार गया बे वे कोई कोना वे तू नीची आजी आजी हाँ कहीं हो कोई गांव में कोई गांव ही सत्संग कराई गांव ही जागरण कराई जने जगह रिव्या लागना जगह लागार लारे रिव्या बचगा तेरे गांव का क्यों रे भाई बचोड़ा रिव्या को कहीं करा एक जनों क्यों रे ए कोई बूढ़ा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है नहीं ए आज भी अन्य चार धाम की तीर्थ यात्रा कराई जो गांव गांव के अगला के जजगी क्यों भाई बिछोड़ा रिपिया है यार एन सब ने चार धाम की यात्रा करा दी उसको रिपियो धर्मपुंड में लाग जाए तेरा गांव की बूढ़ी बूढ़ी सासुआ बेड़ी हुई बा पूरी बस ऐसी की सासुओं सासुओं भरी जी है मोटियार की भाई आप अबगाड़ा फेरा में जाया वहां पहली डोगरिया जाया बजू हाँ जर चार धाम की यात्रा करी एर के एक बुढ़ी दादी बोली क्यों बेटा चार धाम करो और बनाई आठ धाम करो जत पुष्कर जी में स्नान नहीं करे नी जड़ तो यात्रा सफल गनु है क्योंकि पुष्कर जी है जो सब तीर्थों को गुरु है जर बे बूढ़ी बूढ़ी सासवा कियो भाई भी डलेवर ने कियो भाई बस ने बन पुष्कर ले चाल पुष्कर जार बे बूढ़ी बूढ़ी सासवा स्नान करियो वो ड्राइवर बस चला हुआ सको भी ड्राइवर ने क्यों रे तू ही स्नान कर ले हाँ भी ड्राइवर ने क्यों रे तू ही स्नान कर ले वो कहवे जी मैं तो हाथ पग धो ही लिया वो सर्दी बड़े कहन दुख दिए वो मन क्यों रे तू ही स्नान कर ले खाका भाषे तारी दिन दिन याद न बे जिनान रबाड़ो कर पाचा बे रवाना हुआ अजमेर वाली घाटी के माई बाप बस सड़ी ऊंची ठेठ ऊंची सड़ी अब राम जाना भी बस को कोई भेड़ो फूटियो हो को कोई बिरेक भेल हुआ आग कांटा बो डलेवर जिनान करियो डो गल्डो फड़गो होग एर के बाद थाला खाबा लागी जगो थाला खाती 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 नीचा आई जते एक इशा सुधी होती बोली आमा जामा भवन गरियार आमा जा मिठा फड़ी एर के गना के मायने कुकर रोलो मचियो ए बींदनिया रोवे ओ इशा सुधी ओ इशा सुधी तेरा गांव का क्यों ये बाया बोल दी रहे हो
यार भगवान के घर को अजब जगह बाया कोई नहीं टाल सके, बोली रही जो तो घंटो दो घंटो हुई और वे बींदनी सगली बोली रेखी। एक बींदनी कहेंगे डब्यूडी घंटो पे जरा कियो ये बाया अगली जनी डबकी जरा तू ही डबजिया। एक जनो कियो ई बींदनी कर एक सासु के मां बेटियां से तो भरे हमो ई गदर आ ज्यादा रोवे जने सासू केवे लिचमा ऊंची चढ़ चढ़ जांके कोई वीरो आवे मांगे। सासू केवे आ तो मायरा की भूखी छाजे चढ़बा डूकी। अरे मारो छाजो टूट पड़े लो मारा ब्याह में विघ्न पड़े लो। जन लिचमा मन में विचार करियो रे हमारी सासू है इन मैं मारी माँ बराबर जानी। पण आज केवे नहीं के आदमी को जब दिनमान घोरो आवे जन वो तन को कपड़ो हजगो ओई बेरी बन जावे। तो अटिन बे सालो बेनी हुई दोनों जना आया है। धर्मो जी कहे गोपाल जी अबे तो गांव के पीछे ही साला क्यों अबे तो आपने धर्म तो गिरियोडो है। तो दोनों जना सालो बेनी हुई कहीं तो गांव के पीछे पहुंचे और कहीं बड़े मायरा की तैयारियां करे। देखो जाजम डाली चौबटे जाजम डाली चौबटे रे बेटा आसन डाल सालो बेने ही दोन्यू जना बटे अमला की डोडी डोडी करे मन वारे मायरो में हर श्याम जाजम डाली चौटे बैठा आसन डाल सालो बेनियो दोनियो जना अमलां की डोडी डोडी करे मनवार। मारे मेड़ता साइड में
अमल की मनवार है। मांगे कोई मेहमान आ जाए उदन फिर पहले दिन में अमल जिमावा पच बिन साई पानी पावा वो जिम्मेड़ो वैसे को तो ठीक है नहीं तो मैं तो बगनो कर सोड़िया तो गम में फिर बो करे आ वैसे तो कह गए अमल डोडा छूत का अमल डोडा छूत का उतर जावे प्रभात अटल नशो प्रभु के नाम को छड़ियो रेवे दिन रात। और कोई नशो करा जगो तो पान दर्श श्याम का करा शुभ पास हो जैन को उजावे पर भगवान के नाम को जगो नशो कर लेवे वो एक ही करनो पड़े बाकी वो जिंदगी भर कदे पास उतरे को। तो बे गांव का मन में विचार करियो रे ए बेटा काल बिरो तो गांव के बन बारला बाल्ड बेटा यार आज बेटा गांव के पीछे आया है ए हे कौन एक जनो बियर कोई सोटिया घाट वाला नहीं है जर गांव का वेला और बेने पूछे के भाई ते हो कौन जर बोले सा मैं जाहिल किंगले का चौधरी हां और मांगेट धर्मेलो करियोडो एर मैं मायरु घर बनाया बे लार ला गियो रे से बेटा आपा उपरा कर भर दियो आपा वतो भर दियो तो आपनो ना कट जावे लो। अरे एक जनो गियो रे अंगन कई समान ने कोई दो चार होई ने कांसली आया हुआ एंगो तो मैं पहले ही जाब तो कर दियो तेरे बे गांव का केवे देखो भाई मायरो भरोसे को तो बढ़िया है पण मांगे मांगे जको गांव को नेम है मांगी जो रीत है भी जाब मायरो भरनो पड़े लो। बोले सा थांगो नेम है जकी रीत है जकी बताओ तो गांव का बेड़ा उर बे कहीं रीत बतावे और क्या देखो अबे गांव का पंच मिलकर बोलिया सुनो चौधरिया बात चार कमीना का तीन थांबा का चार कमीना का तीन थांबा का पहली ओरनारे धर जोरे साथ मायरो पछे मरो लिचमा बाबो सारे लाडली जी ए जरा मर का मायड़ बाप मायरोई धोन मारे यारे नई जमण जायो वीर मायरो धोन मारे ए भगतुर भगवान की जर गांव का कियो देखो भाया गांव का पंच मिलकर बोलिया सुनो चौधरिया बात चार कमीना का तीन थंबा का ए सात सात बेस है जगह तो साइड में गाड़ जो एर दांगो मायरो भरनो है जगह पच भर लीजियो
यार कहीं धर्मोजी कहीं की थोड़ी अमलदाली कहां करी बदी लियोड़ा धर्मोजी कियो भाई देखो दंगा है रीता वेदन तो मैं जानू कोनी पण एक छोटी बात मैं कह दियो जरा धर्मोजी कहीं केवे देखो नेक जेक जाना नहीं नेक जेक जाना नहीं मैं खर्चा गिया हां खूंट अरमाड़ा गांव का घर गिना जो घर घर मेरे देशा ऊंट मायरों में के बीच में नेक चेक जाना नहीं नेक चेक जाना नहीं मैं खर्चियां किया हां खूंट अरमाड़ा गांव का घर गिना जो मैं घर घर में देवा ऊंट ऊंट को नाव लियो और के गांव का कियो तो थोड़ो 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 पाछो कीजो तो कहीं कहीं कियो यो घर घर में देवा ऊंट ऊंट को नाव लियो और क्या गांव का कियो रे छोरा माचो जाओ कोई माचो जावे और कोई गाजिया भिजावे और कोई क्योंकि मनवारा हुआ है क्योंकि यार स्वार्थी दुनिया है पहले तो बेटा डबण दिया ही कोनी और ऊंट को नाव लियो जन जारू मेरू मनवारा हुआ लागी और डोगरी आपके सोरा ने क्यों रे सोरा शाला सर यात्रा जावे पैदल यात्रा तो थे गवा तो सोरा मैं थोड़ी उल्ली फिरी हूं बालाजी का दर्शन करी हूं तर सोरा कहे डोगरी तू जाए जने श्याम का ही भैंस ने कौन दू या थार भी ने दुआ वो करनी जब तक छोड़ गया सो रो गए भैंस ने कहीं धोनी है वो डोगरी का डोगरी वाला कपड़ा पैर भैंस ने तो मैं ही धो लिया हूं अब शाम का दुआरी वाली टेम हुई पैर कब भाई राम है उसको डोगरी वाला कपड़ा फेरिया ओडियो लाडू वालो भेड़ो कन्नजार के भैंस के थापी ठोकी थापी ठोकी और भैंस देगी और बेटी थापी है गाल थापो है क्यों नेरो को बढ़ियो अब डोगरी को तो हाथ हो सको कौलो हो
अरबी भाई साहब के तो ए मोटा मोटा आइट नहीं होड़ा। बा भैंस डोडी नजरों देखियो और कभी भैंस ने घूंटा माई कर मूछियां देखी। अब भैंस जिमकी इसको ये बाल्टी ने धोंदी कर दी। आगे आगे भैंस भागे और दार दार भाई राम भागे। वो ओण्यो तो लार भड़गो और गागरा में गांव का ने कियो रे गांव का पकड़ी जो रे पकड़ी जो रे पकड़ जियो गांव का कियो रे तन पकड़ा के भैंस ने पकड़ा। बिन जाए वाज राणे वांद बे भाई राम के जगी बा लुगाई ही घराली लुगाई बा कियो जी ए डोगरी वाला कपड़ा ते मन जियो मारो हाथ कौलो है मैं दूध गाड़ लिया हूं थे तो कल ही छोट लिया आगे उबारी जो मुंडा कर आगे उब जी जो मैं दूध गाड़ लिया। तो वो भाईराम तो आगे उबो अरबा तू अब कहवे नहीं के जानवर हुए तो कहीं मैं समझे तो यही है बा भैंस दौड़ो मा तो लाइ और वो छोट लिया आगे उबो वो उबो वो कह मती मती माई है मां बा निजर बैठी बैठी के वेर मैं थारे लारे रात फेरा खा रही तू तीन किला दूध की खातर बंद मां बना ले रहा तू। तो मारो कहना को मतलब वो मायरा में कोनी अस्वार्थ की बात आई नहीं जन अस्वार्थी दुनिया है। हाँ अब लिजमा गुजरी ने ध्यान पड़ी के मारो भाई आयो है तो घर घर में ऊंट देवा की बात होगी तो गांव की जगह लुगाया ही जगह बेबी लिजमा गुजरी के साथ में होगी। हाँ तो लिजमा गुजरी आरती को थाल ले और कहीं तो अपना भाई की आरती उतारे और कहीं बात बने देखो अरे बिरानी माजी माँ वही आया अरे बिरानी माजी माँ वही आया ये भाई लीज माँ को मान बताया
भक्त और भगवान की जर कहवे बीरा रीमा जीमा होई आया भाई लिचमा रो मान वदाया आ तांगी आरती उतारे लिचमा भाई आ गांव अरमाड़ा के माई। अरे बीरा मार्ग बेता जस लेनो ई जुगड़ा में नाव अमर कर दीनो दिन थाने जाटनी जायो जकी वो अपनो दूध पिलाई। ए बीरा एन गई संसार में उतना टेम लागी के निस्वर तेज को ते मारे मायरो भरियो तो 25,000 को तो वो कपड़ो वेगो और 25,000 रुपया रोकड़ कर दिया। मन में सोचियो भाई आपने तो नीतरी बट फांसी हुई वो दिल्ली को बाई जा फांसी दे। अरे ऊंट है जगह ऊंट वापड़ा गट भोगा मरता फिरी एक एक मोरी है जगह गांव का ने पकड़ा दी। हाँ गांव का ने पकड़ा है कि भाई अब मायरो मिटो कर जो जाए आएगी। हाँ ये भजन की दो चार कड़ियां और रियोड़ी है जबकि चाय पी लियो। भरियो मायरो धर्म जी अरे रिया धरणी परसोये साला गोपाल जी ने भाया अब नींद न आवे को ये माया रही दौर भरियो बबो सर लाडली आहर संभावो गावे मायरो जोर भरियो ये जैल की आलर जाट मायरो जोर भरियो ये जैल की आलर जाट मायरो जोर के भरियो मायरो धर्म जी भरियो मायरो धर्म जी रिया धरणी पर सोई धरणी की आग्रह धरती ने। भरियो मायरो धर्म जी रिया धरणी पर सोई साला गोपाल जी ने वाया वो नींद नहीं आवे कोई। गोपाल जी कहे ये निंद्रा आवे तो बेगी आओ निंद्र दिन के राजा मारी। हाँ हाँ रात का दो एक बजे धर्मो जी उठिया। धर्मो जी गोपाल जी ने क्यों गोपाल जी हाल नींद को नई रात की दो बजी है। धर्मो जी के अब गड़गड़ी मंगाई नहीं लेनी है सुबह परमानेंट अबड़ी है। हाँ तो धर्मो जी और के मेरे गोपाल जी तू मारे कारण क्यों मरे तू गांव चलो जा और जो भी कोई जवाब देनो है तो बादशाह ने मैं दे दे हूं तू चलो जा। बोले नहीं
रहूं तो मैं जाते थान थाने फांसी हुई तो मने ही फांसी हो जाए, बाकी गांव तो नहीं जाऊं। हाँ देखो ओ या करे प्रेम। हाँ तो अब दोनों जना बटे दिल्ली पहुंचे, दिल्ली बटे बादशाह के दरबार में कहीं के देखो अबे दिल्ली पहुंचा चौधरी, दिल्ली पहुंचा चौधरी रे आगे उबा नर, मैं भरिया या मायरो रे राजा, अबे तारे करण ये वेशो कर रे मायरो मैं भरियो। चौधरी दिल्ली पहुंचा चौधरी आगे उबा नर, अरे मैं भरियाया मायरो रे राजा, अब थारे करणी वैसोई कर। ए राजा थारी जगी 50,000 की रकम ही बिन लिचमा नाम करके कोई गुजरी ही भी के मैं मायरो वर्दियो। अबे राजा मांगे ने रकम तो मांगने है को नहीं, और आ मांगी जो ज्ञान है आ दे ही है, आ थांके सामने हाजिर है, तो वो भी एक दिल्ली को बादशाह हो तो बादशाह वो खड़ो हुयो खड़ो और अपनो कहीं फैसलो सुनावे, और पूरी कचड़ी फुल भरी और भी भरी कचड़ी के मायने कहीं दिल्ली बादशाह बोले अबे राजा डरे पर जहां डरे, राजा डरे पर जा डरे संको माने लाख, 500 बीघा जमीन दी 500 बीघा जमीन दी, अरे थन तीन होखिया राजा मायरो जोर भरियो, ¡Gracias!
जगत काम जगत में करिजे सुकरत काम करिजे सुकरत काम जगत में करिजे सुकरती काम रे दुनिया में भगवान की जन कियो भाया। राजा डरे प्रजा डरे संको माने लाख 500 बीघा जमीन इनाम दी थाने दिन हो खियाले राजा डर 500 बीघा जमीन मैंने इनाम में दी सा क्यों अगर चोर होता चोर होता तो तुम्हारे सामने आता कोनी। हाँ थाने था ही के मैं दिल्ली को बादशाह हूं मैं थाने फांसी दे सकूं और अभी थाने था ही के बट जाता ही आपने फांसी दे ही फिर भी ते मौत के सामने आया हो ये जो थांकी ईमानदारी है ये वास्ते 500 बीघा जमीन मैंने इनाम में दी सा तरवे राड़ो बेनियो दो जना बातां करे धर्मो जी कहे गोपाल जी कि भिंडिया की दूजनी कम पड़ी है गोपाल जी कहे बेनियो जी आ 500 बीघा जमीन है काल ने छोरा हुई पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी वधी एर जमीन की खातर माता बोड़ी एर फूटे ही ऐसा तो क्यों ई जमीन ने आपा गौ सेवा के माई कर दिया ताकि गाया जरबो करी और आपनो पेट भरबो करी तो साहब हकीकत बात है के बा 500 बीघा जमीन गौचर में करीब आज भी बा जमीन जाहिल खियाले की जगह मेन रोड है भी मेन रोड पर बा जमीन है बट तारबंदी करियोड़ी है आज भी बट गाया चरे और आज दिन भी बे गाया बे जाहिल खियाले का चौधरी ने बे गाया याद करे के भाई एन का नर एन का छोरा पाछा ही धरती पर आयो के जननी जने तो ऐसो जन जननी जने तो ऐसो जन के दाता के सूर नितर रीजे वांजड़ी थारो मती गमाजिए नूर इस संसार के मायने ऐन का नर पैदा कर दिए ताकि गायां की रक्षा वास्ते बायां की रक्षा वास्ते ओ एक निस्वार्थ मायरो बरीजियो परमार्थी काम हो तेर आज आपां जागरण में सत्संग में आप जाहिल खियाले का चौधरी ने आप याद करा क्योंकि वे परमार्थी काम करियो तो ओ मायरो कद वरीजियो कोणी को गवाह है तो ई वजन के मायने काई बतावे देखो संवत 1456 में संवत 1456 में रे भरियो माय रोजाट जैसे मायरो धर्म जी भरियो लिखण वालो ओ तो लिखियो रे गंगदेव भाट मायरो ही
गुरु भगवान की। संबंध 1456 में, 1456 में भरियो मायरो जाट, जैसे मायरो धर्मजी भरियो वीरा, लिखियो गंग देव भाट, ए मायरो जोर भरियो रे वीरा, जाहिल खियाले रा जाट। इसी प्रकार हो मायरो भरीजियो, और मैं आपने सुनायो, ताको समय थोड़ो टाइम तो थानो थोड़ो ज्यादा ले लियो मैं, पण अब आपने जय कुमार जी ने उठावा।